हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव केसराज एंड आप देख रहे हैं एमजी एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को कुछ इस टाइप से ब्लू एंड ब्राउन टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशन की सहायता से, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कम्प्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम अपने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे, एंड ओपन हो जाने के बाद प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे एंड अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को हमें एडिटिंग करनी है। जैसे गाइस, मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ एंड यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से इस वाला फ़ोटो को लेता हूँ एंड ऐड पे क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ऐड हो चुकी है। ऑल फोटोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के ऑप्शन आ चुके हैं। तो गाइस, सबसे फर्स्ट में जाएंगे हम कलर पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से टेम्परेचर की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -14 एंड यहाँ से टेंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो गाइस, टेंट की वैल्यू को हम -6 रखते हैं एंड यहाँ से वाइब्रेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो गाइस, वाइब्रेंस की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +21 एंड नेक्स्ट जाते हैं मिक्स टूल पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम ऑरेंज कलर पे एंड ऑरेंज कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी स्किन टोन है वो थोड़ा और ब्राइट लगे। तो इसकी वैल्यू को हम +24 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं येलो कलर पे एंड येलो कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड इसकी सेचुरेशन को यहाँ से कर दें इंक्रीज। ठीक है, तो इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +70 एंड यहाँ से इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -23 एंड नेक्स्ट जाते हैं ग्रीन कलर पे एंड ग्रीन कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को करेंगे -100 एंड इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को भी हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -70 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे तो इसे रखते हैं -15 एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे एंड सियान कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा माइनस करेंगे तो इसे रखते हैं -31 एंड यहाँ से सेचुरेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 71 एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे एंड ब्लू कलर में आने के बाद यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस के वो लेके जाएंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -50 एंड यहाँ से इसकी सेचुरेशन को कर देंगे +100 एंड इसकी ल्यूमिनेंस की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं +10 एंड नेक्स्ट जाते हैं पर्पल कलर पे एंड यहाँ से इसकी ह्यू की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -51 एंड ऊपर से कर देंगे डन। सो गाइस, जो हमारी फोटो है काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है, इसे हम और बेटर बनाएंगे। तो उसके लिए जाएंगे हम इफेक्ट का ऑप्शन पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 21 एंड यहाँ से DH की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे ताकि जो हमारी फोटो है उसमें HDR इफेक्ट देखने को मिले। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं +10 एंड यहाँ से विनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो गाइस, इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं -45 एंड यहाँ से मीट पॉइंट की वैल्यू को भी हम थोड़ा सा डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ से करते हैं 23 एंड यहाँ से फेदर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। तो गाइस, फेदर की वैल्यू को यहाँ से करते हैं +75 एंड नेक्स्ट जाते हैं डिटेल पे, इस वाला आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 20 एंड यहाँ से नॉइस रिडक्शन की वैल्यू को भी इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी फोटो है वो फटे नहीं। तो इसे रखते हैं 12 एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन। तो गाइस, इसकी वैल्यू को भी यहाँ से हम इंक्रीज करेंगे ताकि जो हमारी बैकग्राउंड कलर है वो परफेक्ट रूप से स्मूथ लगे। ठीक है, तो इसे रखते हैं 25। सो गाइस, हमारी फोटो फाइनली एडिटिंग हो चुकी है। तो देख सकते हैं बिफोर हमारी फोटो ऐसी थी एंड आफ्टर ऐसी। सो गाइस, आप लोग को जूम करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर गाइस आप लोग को एडिटिंग पसंद आई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है
एंड एक्सेप्ट डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फोटो सेव हो जाएगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।